नमस्कार दोस्तों, कथा संचय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। मेरी लिखी हुई और नई कहानियाँ रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सुहानी और प्रभात की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुई थी। सुहानी की पतली छरहरी काया, गेहुआ रंग, काजल लगी हुई बड़ी बड़ी आंखें और पतले गुलाबी होंठ देखकर प्रभात ने उसे पसंद तो कर लिया था, लेकिन अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए उसने उससे अकेले में कुछ बातें भी की थी, जिसमें सबसे ज्यादा जोर देकर उसने ये कहा था कि वो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, तो वो अपने जीवन साथी से ये उम्मीद करता है कि वो भी सास ससुर को खुले दिल से अपनाए और उनके प्रति हर फर्ज निभाए। तब सुहानी ने भी अपने दिल की बात प्रभात से कह दी थी कि उसे भी ससुराल में प्यार दुलार चाहिए और माता पिता के प्रति फर्ज तो वो भी निभाएगी। प्रभात को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, बस रिश्ता पक्का हो गया। प्रभात सांवले रंग का सामान्य कदकाठी का युवक था। पतले सी मूछ और काले फ्रेम के चश्मे में उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली लगता था। प्रभात के पिताजी का कपड़ों का शोरूम था। अच्छा घर देखकर सुहानी के माता पिता ने भी रिश्ता तय कर दिया था। शादी के बाद सुहानी ससुराल में अच्छे से घुल मिल गई थी। सब कुछ एक सुनहरे सपने के जैसा था। लेकिन सुहानी के शादी के साल भर बाद ही उसके ससुर जी के कपड़ों के शोरूम में आग लग गई, जिसकी वजह से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा और हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पूरा परिवार शोक में डूब गया। प्रभात की माँ पद्मा जी पति के असमय चले जाने से बहुत ही टूट गई थी। अब घर की सारी जिम्मेदारी प्रभात के कंधों पर ही आ गई थी। सुहानी बड़ी मुश्किल से घर और सास की जिम्मेदारी संभाल रही थी और इन विपरीत परिस्थितियों में अपने पति का भरपूर साथ दे रही थी। प्रभात के पिताजी ने शोरूम के लिए लोन लिया हुआ था, तो जो भी जमा पूंजी और इंश्योरेंस के पैसे थे वो लोन चुकाने में ही खत्म हो गए। उसके बाद प्रभात का हाथ बिल्कुल खाली हो गया था। इसी बीच पता चला कि सुहानी माँ बनने वाली है। प्रभात किसी तरह छोटी मोटी नौकरी ढूंढकर बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला रहा था। सुहानी भी घर की आर्थिक स्थिति देखकर कभी कोई फरमाइश नहीं करती थी और कम खर्च में ही घर चलाने की कोशिश किया करती थी। समय आने पर सुहानी ने एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद ही प्रभात को अच्छी नौकरी भी मिल गई। सुहानी की सास पद्मा जी बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी कि पोते ने घर आते ही सभी की किस्मत बदल दी। हालांकि पद्मा जी बहुत खुश थी, लेकिन कठिन परिस्थितियों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था और उनका व्यवहार पहले से बहुत बदल गया था। अब वो हर एक चीज में पैसों के बारे में सोचने लगती थी। सुहानी के बेटे को जन्म लिए हुए 6 महीने हो चुके थे। सुहानी की वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, लेकिन उसकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा था। एक दिन सुहानी डॉक्टर के पास गई और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है। आप दूध, फल, सब्जियां वगैरह ज्यादा लिया करिए। इसके साथ ही डॉक्टर ने कुछ दवाइयां भी लिख कर दी। सुहानी ने भी सोचा कि अब तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो ही गया है, इसलिए उसी दिन उसने प्रभात से बात की तो प्रभात ने कहा कि ठीक है, फल और सब्जियां तो मैं लाता ही हूँ, तुम दूध भी बढ़वा लो। अगले दिन सुहानी रसोई में काम कर रही थी, तभी शाम के समय दूध वाले भैया दूध लेकर आए। सुहानी दूध का पतीला लेकर बाहर आई और दूध लेते हुए कहने लगी कि भैया कल से आधा किलो दूध और बढ़ा दीजिएगा। सुहानी की सास पद्मा जी हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। उन्होंने भी अपनी बहू की बात सुन ली थी। जैसे ही सुहानी दूध का पतीला लेकर घर के भीतर आई, सुहानी की सास उसे रोकते हुए बोली, बहू यह मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने दूध वाले से दूध बढ़ाने को क्यों कहा है। सुहानी बोली, मम्मी जी कल ही मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मैं भी सुबह शाम एक गिलास दूध पिया करूं, इसलिए आज मैंने दूध वाले भैया से दूध बढ़ाने के लिए कह दिया। पद्मा जी बोली, ऐसा करने से पहले तुम उसे पूछ नहीं सकती थी, किससे पूछकर तुमने दूध बढ़ाने के लिए कह दिया, इतना दूध कहां से आएगा बहू,
घर में पहले से ही 1000 तरह के खर्च हैं, और तुम एक और खर्च जोड़ रही हो। मेरा बेटा इतनी मेहनत से पैसे कमा रहा है और तुम्हें तो बस पैसे उड़ाने आते हैं। तुम्हें दूध पीने की क्या जरूरत है? तुम कौन सा मेहनत वाला काम करती हो? मुन्ना अभी छोटा है तो उसे पोषण की जरूरत है। मेरा बेटा भी ऑफिस जाता है, थक कर आता है, उसे भी दूध चाहिए। मेरी तो उम्र हो गई है, मैं तो सालों से दूध पीती आ रही हूँ, लेकिन तुम अपने लिए दूध बढ़ाकर खर्च क्यों बढ़ाना चाहती हो? सुहानी आश्चर्य के साथ सास की सारी बातें सुन रही थी। उसे बहुत हैरानी हो रही थी कि घर में सबके लिए दूध आ सकता था, लेकिन केवल बहू के लिए नहीं। प्रभात ने भी ऑफिस से आते हुए सारी बातें सुन ली थी। उसने तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ दूध बढ़ाने दो ना, तुम पैसों की चिंता क्यों करती हो? मैं घर का खर्च चलाने के लिए ही तो कमा रहा हूँ ना। पहले की बात और थी, मेरी अच्छी नौकरी नहीं थी, खर्चों में कटौती करनी पड़ी थी, लेकिन अब तो मेरी अच्छी खासी नौकरी लग गई है। अब आराम से खाओ पियो, किसी को भी खाने पीने में समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि खाने पीने में कटौती की गई तो फिर सारा पैसा डॉक्टर के पास जाने वाला है, क्योंकि संपूर्ण पोषण नहीं मिलने की वजह से स्वास्थ्य तो खराब होगा ही। पहले तो मजबूरी थी, लेकिन अब खर्चे की दुहाई देकर कोई भी समझौता नहीं करेगा। और जिस तरह मुझे, मुन्ने को और तुम्हें दूध की आवश्यकता है, उसी तरह सुहानी के लिए भी दूध जरूरी है। वो बाहर नहीं जाती, रुपए कमाकर नहीं लाती, तो क्या हुआ? घर की नींव उसके कंधों पर ही टिकी हुई है, वो हम सबका ध्यान रखती है। सुबह से लेकर रात तक इतना सारा काम करती है, तो उसे पोषण की जरूरत कैसे नहीं होगी माँ? बेटे की बात सुनकर पद्मा जी आगे कुछ बोल नहीं पाए, और सुहानी ने भी राहत की सांस ली। सही समय पर उसके पति ने आकर बात को संभाल जो लिया था। दोस्तों, कई घरों में ऐसी सोच होती है कि बहुओं को दूध दही फल सब्जियां खाने की क्या जरूरत है, क्योंकि वह तो बाहर जाकर काम नहीं करती हैं, घर पर ही रहती हैं। लेकिन गृहिणियां क्या किसी से कम काम करती हैं? उन्हें भी तो पोषण की जरूरत होती है। ऐसी सोच के कारण ही बहुत सी गृहिणियां कम उम्र में ही कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाती हैं, और बाद में पूरे परिवार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि यदि घर की गृहिणी ही बीमार रहेगी, कमजोर रहेगी, तो पूरे परिवार का ध्यान कहां से रख पाएगी? इसलिए गृहिणियों को सभी के खान पान का ध्यान रखने के साथ साथ अपने खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।